हेलो एवरीवन, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा जो आप आईटीआई कॉलेज से करने के लिए ऑनलाइन एडमिशन कैसे लें। देखिए सर, आप बोलिएगा सर ये क्या है, मतलब ये है सर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो रेलवे में जो बच्चा फॉर्म भरते हैं वो मैक्सिमम आईटीआई उनको जरूरी है, वो आईटीआई करते हैं, और वो क्या होते हैं ना, वो गलत जगह फंस जाते हैं। गलत जगह फंसने के बाद यहाँ पे आते हैं, सर मैंने एक जगह से आईटीआई किया था, मेरा क्या हुआ तो वहाँ का सर्टिफिकेशन उसका नहीं था, वो एनसीबीटी से और एससीबीटी से उसका क्या सर्टिफाइड था, और ना आपके बाद वो क्या कर देता है, आपका सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है। ये सब बात बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। तो ये सर एसके झा सर ने ये सोचा इस समस्या को हम दूर करें, क्यों बच्चा क्योंकि फंसने के बाद यहाँ आता है उसका पैसा भी फंस जाता है और ऐसे ऐसे करने लगता है, यहाँ पे जो एक मुश्किलें क्रिएट करता है। तो वहाँ पे वो उनके गाइडलाइन से कहाँ 6 कॉलेज उनके अंदर है जो सर के मतलब पूरा गाइड से चल रहा है। इसमें आपको ट्रस्ट में तो कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, यदि सर करवा रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ गई। और वहाँ पे आप ये ऑनलाइन भरने सकते फॉर्म भर सकते हैं, क्यों इसका डेट बहुत कम बच चुका है और सीट भी क्या होता है लिमिटेड होता है, यदि सीट लिमिटेड होता है, यदि आपको करना है तो जल्दी ही कर लीजिए। और ये बात नहीं है जो हम बोल रहे हैं जो आप यहीं से कीजिए, यदि आपको करने में दिक्कत हो रही है मगर आपके तब यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, और यदि आपके पास आसपास कोई कॉलेज है ट्रस्टेड है तो वहां से जाके कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आने से बचने के लिए, यदि दूर दराज से हैं तो यहाँ से आने से बचने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। वो ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, सारा मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो से। तो चलते हैं, पहले आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास क्या क्या चाहिए। आपके पास 10th का मार्कशीट चाहिए, जो आप 10th का मार्कशीट आप क्या करेंगे, पहले फोटो खींच लेंगे और रख लेंगे अपने पास। उसके बाद आधार कार्ड का फोटो दोनों साइड, डबल साइड मतलब दोनों साइड फोटो खींच करके आप पास में रख लेंगे। आप कास्ट सर्टिफिकेट रख लेंगे, यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट पुराना भी है तो चलेगा। उसके बाद 6 फोटो रख लेंगे, और उसके बाद पेमेंट स्क्रीनशॉट कैसे होगा सर, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देंगे, उस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट फॉर्म जो फिल करवाएंगे अभी हम, उसमें क्या होगा जरूरी होगा। तो कितना चीज आपको चाहिए, ये 6 चीज चाहिए, और जो नंबर डिस्क्रिप्शन में है उसी पे पेमेंट करना है और वही फॉर्म फिल करना है। यदि हम इस वीडियो बनाए तो हो सकता है आपको कोई कॉल करे, जो इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं इसके यहाँ के इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ या उनके सर का कोई हूँ या बोल रहा हूँ, आपको बात पे बिलीव एकदम नहीं करना है। आप केवल के और केवल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है और नंबर है उसी पे पेमेंट करना है और वही फॉर्म फिल करना है, बात रखिए दिमाग में एकदम। उससे यदि बाहर कर दे तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बात समझ में आ गई। और ये सारा कुछ जो होगा ये सर के गाइडलाइन में ही हो रहा है, इसीलिए आप ट्रस्ट में थोड़ा भी ये ना करें जो ये क्या हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं, अब चलते हैं लिंक पे। अब वो फॉर्म कौन है जो आपको फिल किया जाएगा, देखिए यहाँ पे अब ये फॉर्म है जिसमें आपको पहले पूछा जाएगा आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, आपका नाम, फोन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद आधार नंबर, एड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आधार कार्ड फ्रंट मतलब डाल दीजिएगा, आर्ट बैक मतलब दोनों आधार कार्ड का फोटो खींच के यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं फिल मतलब डालना पड़ेगा दोनों फोटो क्लिक करके। उसके बाद मार्क मैट्रिक मार्कशीट जो बोले मैं डॉक्यूमेंट में, कास्ट सर्टिफिकेट यदि पुराना भी है आपको तो चलेगा, स्टूडेंट फोटो, उसके बाद पेमेंट स्क्रीनशॉट फिर से बात दिमाग में रखिए, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पे गूगल पे या फोन पे कर लेना है और उसको स्क्रीनशॉट यहां पे अटैच करना है, केवल और केवल वही नंबर। वो नंबर क्या होगा तो कुछ दिन के बाद यदि कॉलेज बदलेगा तो नंबर चेंज भी हो सकता है, तो जो नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में मिले ना वो करना है। यदि अभी आज कुछ नंबर है कल बदल भी जाएगा तो आपको इसके लिए डॉट नहीं रखना है, मगर बी केयरफुल, यदि कोई आपको फोन कर रहा है इस पे पेमेंट कर दीजिए, हमारे झा सर ने बोले हैं, इसके झा सर बोले हैं जो करवाने के लिए, तो आप उसे बिलीव नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पे या गूगल पे या फोन पे करके आप पेमेंट करके यहाँ पे रख के स्क्रीनशॉट फॉर्म फिल्म कर देंगे। उसके बाद आपका सिग्नेचर हिंदी में चाहिए वो कर लेंगे आप, उसके बाद सिग्नेचर आपका इंग्लिश में चाहिए वो कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको क्या जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा जीमेल पेज, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और ये पेमेंट आप कर देंगे। और अभी पहला इंस्टॉलमेंट में मिनिमम आप 8000 क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, 8000 मिनिमम पेमेंट है जो आप करेंगे, ठीक है। ये बात सारा क्लियर हो गया। और
जो क्या करना है एक बार फिर से सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट जो बोला गया है वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखना है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को प्रॉपर फिल करना है, उससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आप पेमेंट जो ऑप्शन नंबर दिया रहेगा उस पर पेमेंट कर देना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट रखना है क्योंकि इस फॉर्म आपको जरूरत है उसमें आपको फिल कर देना है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर ऑफ फॉर्म है उसके अलावा कहीं नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये सारे सर के गाइडलाइन में हो रहा है, इसी में आपको ट्रस्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई होप ये बात तुम समझ ही रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच।